अलवर जिले के खेड़ली पुलिस थाना अंतर्गत दारोदा गांव में गो रक्षक दल और स्थानीय लोगों द्वारा गो तस्करी मामले में पकड़े गए 4 लोगों के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जहां पहले पुलिस ने इनके साथ मारपीट करने के मामले में ग्रामीणों पर ही मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब गो तस्करी का कबूलनामा वाला वीडियो सामने आने के बाद पुलिस फिर से जांच में जुटी है। गो तस्करी के शक में ग्रामीणों और गो रक्षकों द्वारा पकड़े गए 4 आरोपियों को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में गो रक्षकों और ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था और घायलों का इलाज कर उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन अब इसमें नया मोड़ आया है, जब ग्रामीणों ने गाय के साथ उन तस्करों का वीडियो जारी किया है, साथ ही उनके द्वारा गो तस्करी के कबूल नामे का भी एक वीडियो सामने आया है। अब पुलिस उन 4 जनों की तलाश में जुटी है जिन्हें पुलिस छोड़ चुकी है, क्योंकि जो घायल थे पुलिस ने उनको अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी थी और वह उसके बाद फरार हो गए। इस मामले में SP अनंत शर्मा का कहना है कि गाय के साथ का जो वीडियो सामने आया है इस पर भी जांच की जा रही है। देखिए, खेड़ली थाना अंतर्गत एक गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवकों को गौ तस्करी के शक में बंधक बना करके पीटा जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर 3 लोग मिले थे जिनको गांव वालों ने जिनके साथ मारपीट की थी। मौके पर जब पुलिस गई तो वहां पे कोई गाय या गाड़ी इस तरह की नहीं थी। रात 8:30 बजे की घटना है, तो पुलिस ने उन 3 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनकी रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज किया गया जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी उनके साथ, और फिर उसमें जो है 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिन का वक्त है और वो लोग गाँव में कुछ गायों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में अभी कोई रिपोर्ट या कोई मुकदमा पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है, कोई प्राप्त नहीं हुई है। तो एक बार इस संदर्भ में भी जांच कर लेंगे कि वो गायें किसकी थी, कहाँ थी और क्या इनका कोई इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और वीडियो कब का है उसकी एक बार ऑथेंटिसिटी देख लेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 आरोप स्वीकार कर रहे हैं पुलिस के आने से पूरी वजह से फरार हो गया और दूसरा वहाँ पर इलाज के दौरान रेफर टिकट बनवा के गायब हुआ, क्या वो दोबारा पुलिस के पास आए? नहीं, 2 ही व्यक्ति जो पुलिस के पास आए, जो 2 चले गए थे वो अभी तक पुलिस के पास नहीं आए। उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, एक बार जांच करवा लेंगे। वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं कि हम गाय ले गए हैं, 2 बार तक व्यक्ति कह रहा है मैं ले छोड़ के आया हूँ। हाँ, तो वही मैं वीडियो में जो बात कह रहे हैं और जो है उस संबंध में एक बार गहनता से अनुसंधान करके उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। दरअसल ग्रामीणों की पिटाई में 3 जने घायल हो गए थे, जिनमें एक प्रेम सिंह की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया था। पुलिस को ग्रामीणों द्वारा इनके पकड़ने की सूचना के बाद खेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची थी और सभी को अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों की शिकायत पर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस इस बात से इनकार करती रही कि ये गो तस्कर हैं। इससे पहले पुलिस के बयानों में सामने आया था कि 4 लोगों ने ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने किसी भी तरह की गो तस्करी की घटना से भी इनकार किया था। यह 4 लड़के वहीं के लोकल हैं, जिनमें 2 हिंदू और 2 मुसलमान हैं, और इनको गो तस्करी के शक में पीटा गया था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। 1 को गंभीर चोट लगने पर अलवर रेफर कर दिया था। अलवर में इलाज के बाद उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वह सभी फरार हो चुके हैं। लेकिन अब गो तस्करी के मामले का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह यह कबूल रहे हैं कि हमने पूर्व में भी गो तस्करी की थी और गायों को ले जाते हैं, लेकिन पुलिस ने किस दबाव में उन सभी को निर्दोष साबित करते हुए छोड़ दिया था, यह एक सवाल बना हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वीडियो जारी होने के बाद गो तस्करों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।